Yes, today I am going to tell you about a robot processing and automation. What is a robot processing process and automation? It is a technology or software that is used to mimic the action of human being who is interacting with digital system. वह आदमियों के एक्शन को हूबहू करता है जो कि डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रोबोट्स आर configured to work or imitate how people interact with the system used for a business purpose. तो रोबोट को कन्फिगर किया जाता है कि पीपल कैसे अपने सिस्टम के बिजनेस प्रोसेस को इंटीमेट करते हैं, कैसे करते हैं, उसी तरह से वो भी करता है रोबोट. Who is the father of RPA? Arthur Samuel is the father of RPA. Who invented RPA? Blue Prism CEO Alastair Bartlett जो थे वो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था. इज द पायनियर ऑफ RPA. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ RPA? कंपोनेंट्स ऑफ RPA इज रिकॉर्डर, डेवलपमेंट स्टूडियो, प्लगइन एक्सटेंशन, बॉड रनर एंड कंट्रोल सेंटर. पांच चीजें आपको चाहिए होती है, जब ये होंगी तो आप RPA को डेवलप कर सकते हैं. What skills do you need for RPA? आपको क्या स्किल चाहिए होती है RPA के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल, मास्टरी ऑफ ऑटोमेशन टूल्स सच एज ब्लू प्रिज्म, UI ऑटोमेशन एंड UI पाथ. ये तीन टूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं RPA के लिए. प्रोफिशिएंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एडवांस लेवल पे आपको C++, जावा, पाइथन और बहुत सी और लैंग्वेजेस आनी चाहिए जो एडवांस लेवल के लिए जरूरी है. तो RPA जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, रिटर्न और इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन आना चाहिए, डिटेल्स का पर अटेंशन देना चाहिए, मास्टरी ऑफ ऑटोमेशन टूल होना चाहिए जैसे ब्लू प्रिज्म और UI पाथ और UI ऑटोमेशन, और कुछ लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए. विच इज़ अ RPA टूल? RPA टूल क्या है? ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, UI पाथ, वर्क फ्यूजन एंड टिगा सिस्टम. पांच ऐसे टूल हैं जो आपको RPA के लिए ज़रूरी है, लेकिन तीन हमने जो बताए UI पाथ, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर, ये ज़्यादा पॉपुलर है. हु इज़ द पाइथन, हाउ इज़ द पाइथन यूज इन RPA? RPA में पाइथन को कैसे यूज़ करते हैं? कॉग्निटिव रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में RPA को यूज़ किया जाता है. द इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाई लिसनिंग वॉइस डेटा, एनालाइजिंग यूजिंग स्पीच रिकग्निशन, फ्रॉम रीडिंग यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, यूजेस पाइथन प्रोग्रामिंग टू एनालाइज इंफॉर्मेशन यूजिंग मशीन लर्निंग. हमने पहले भी एक प्रोग्राम बनाया था स्पीच रिकग्निशन पे और वॉइस डेटा कलेक्शन पे, कि जो मशीन आपकी स्पीच को रिकग्नाइज करती है और उसी के हिसाब से वो इंटरप्रेट करके उसको बोलती है मशीन लर्निंग के थ्रू. तो वो ही यहाँ पे पाइथन में काम आके RPA को इम्प्लीमेंट करने में काम आता है. Is RPA easy or difficult to learn? क्या RPA को लर्न करना कठिन है? RPA is not difficult to learn as it doesn't require any programming language to get started. Common RPA tool from UI path, Blue Prism and Automation Anywhere can be used by recording tasks without any coding, and only advanced tasks will require some programming skill. Starting के लिए आपको जो ये लैंग्वेज है टूल्स UI पाथ, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर, इसी को यूज करके आप RPA को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फिर एडवांस स्किल के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी. डज RPA हैव अ फ्यूचर? क्या RPA का फ्यूचर है? तो गार्टनर ने पाया 2019 में कि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर. There is plenty of room for this space to grow. उन्होंने कहा बहुत ही इसका स्कोप है. Who is using RPA? 5 companies innovating with robotic process automation in finance. 5 ऐसी कंपनी है जो रोबोटिक प्रोसेस में फाइनेंस को ऑटोमेशन फाइनेंस करती है. क्रेन सिस्टम, बैकोलो
Bank Columbia, Zurich Insurance and Key Bank and Guardian Group. जिसमें से पहली क्लेम पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज होती है बैंक कोलंबिया, और ज्यूरिक इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए है, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम के लिए है और लेगेसी सिस्टम के लिए है गार्जियन ग्रुप। तो ये सब RPA यूज करके हम अपने ऑफिस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ RPA इम्प्लीमेंटेशन UI पार्ट? एडवांटेज और RPA आर इंक्रीज कन्फर्मिटी, आपके काम को कन्फर्म बताती, कंसिस्टेंट और कंपैटिबल होती कंपनी के अपेक्षा के प्रति, बेटर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है, इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय रेजिस्टेंट ऑनबोर्डिंग होता है, चूजिंग द राइट प्रोसेस and setting realistic expectation. Real expectation पर right process choose करके correct employees के की boarding करके improve customer experience provide करता है, better management capability provide करता है। What are the disadvantage of RPA? अगर आपको इसकी implementation के बाद उसकी error को rectify करना नहीं आया और मेंटेनेंस करना नहीं आया तो RPA ओवरऑल में रिस्की होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। यूजर्स ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसका क्या यूज है RPA का? ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। RPA ऑटोमेशन चेंजेस हाउ बिजनेस कैन डील विद देयर कस्टमर, इनवॉइस प्रोसेसिंग कर सकता है, फाइनेंशियल प्रोसेस आर क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट टू एवरी डे फंक्शन ऑफ एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, अपनी इसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, एम्प्लॉई ऑन बोर्डिंग एंड पेरोल स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स, एम्प्लॉय की बोर्डिंग के लिए, पेरोल के लिए और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसकी एनालिसिस करने के लिए RPA हेल्पफुल होता है। So this is all today, viewers. If you like it, please share and subscribe. Thank you.